अब जो पांचवी बार प्रधानमंत्री बन गई तो उसका ये हाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो तीन ही बार बने हैं, उनका क्या हाल हो सकता है। मोदी जी तो कहते हैं हम झोला लेके निकल जाएंगे। अरे झोला भी हमारे देश का है ना जी, हम झोला भी चेक करेंगे ना। अगर कोई दलित मंदिर में जाता है तो आप मंदिर धो देते हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत है। वुमेन सेफ्टी पे वो जो जिक्र करते हैं, वुमेन सेफ्टी अगर नहीं मिल रहा है तो हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। वो जो मुद्दा पे सवाल उठाता है कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध कर दिया जाता है कि तुम्हारी जाति कौन सी है। इस देश में, अपने भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती है क्या? सबकी जाति पूछी जाती है। अगर भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती तो अरविंद केजरीवाल के मंदिर जाने पे उनकी मंदिर नहीं धोई जाती। एक प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 15 मिनट में हटा दिया और उनको भागना पड़ गया। समझ सकते कि जनता मजबूत होती है या प्रधानमंत्री? अगर इन भैया को गरीबी से दिक्कत है, अगर ये दो वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो सबको दिक्कत है। हमारे देश में ही है ना ये, खाना नहीं खा पाते हैं दो टाइम का, सही से नहीं खा पाते हैं। अरे और पारिवारिक है, बाल है, बच्चे है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, दारू है, कहाँ सब है, दारू भी है और दवाई है, दवाई दवाइयों को दारू कहा जाता है। कह रहा है कि नीतीश जी अगर लड़की रहते तो कौ को भता रखे होते। बीते दिनों भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट दिखती हुई दिखाई दी, ठीक उसी प्रकार से लोग ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने देश को अच्छे से नहीं सुधारा या फिर जो एक कार्रवाई कर रही है उसको ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में भी ये सब कार्रवाई देखने को मिले। अभी बिहार की राजधानी हम पटना में, पटना के लोगों से जानते हैं कि बांग्लादेश में छात्रों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया और वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है कि देश छोड़ करके भागना पड़ा, क्या अपने भारत में भी ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं? अभी हमारे साथ अंजलि है। क्या अंजलि, लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो फ्यूचर में इंडिया में भी हो सकता है? हो सकता है और होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री घमंडी है, ये तो सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री घमंडी है। लेकिन जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का ये हालत हो सकता है आरक्षण ना देने की वजह से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को आरक्षण नहीं दे रहे तो इनका क्या हो सकता है? तो यहाँ के तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है कि भगा दिया गया, सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा, एक देश की प्रधानमंत्री थी, इस स्थिति में भागना पड़ा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम झोला लेके निकल जाएंगे। अरे झोला भी हमारे देश का है ना जी, हम झोला भी चेक करेंगे ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर भागेंगे झोला लेके तो सबसे पहला काम तो हमारे देश की जनता का वो झोला चेक करना होगा ना। एक छात्रों की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि रोड पे आ जाते हैं, सत्ता को पलट करके रख देते हैं? बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को रोड पर आ जाना पड़ा? अगर आप छात्रों को, युवाओं को उनका हक नहीं दीजिएगा तो देश की जनता, देश की युवा कहाँ जाएंगे? मेरा यही मानना है ना। अगर देश के, मतलब हमारे देश में जितने भी युवा है उनका क्या मांग है कि हमें रोजगार दीजिए, हमारा जो आरक्षण, हमारा अधिकार है, हमें आरक्षण दीजिए। हालांकि देश में जितनी भाई दलित पर है, लोग कहते हैं कि ये है वो है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर कोई दलित मंदिर में जाता है तो आप मंदिर धो देते हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत है ताकि आप उनको भेदभाव ना कर सके। तो अगर हमारे संविधान में लिखा गया था कि किसी को आरक्षण मिलना चाहिए तो ये कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा गया था। और सबका अधिकार है आरक्षण, सबसे ज्यादा दलितों का अधिकार है कि इस देश के दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप उसके लिए छीन नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भैया पैसा देख के हम आरक्षण देंगे, नहीं, यहाँ पे जाति देखकर आरक्षण दी जाती है। ये देश के क्या बोलते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, जब वो एक मंदिर में गए थे तो मंदिर धो दिया गया था। तो क्या आप यही भेदभाव देश से खत्म कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज के लिए अगर कदम नहीं उठा रहे हैं तो वही चीज होगा जो बांग्लादेश में सेकेंडो उसको मानेंगे ना कि 15 मिनट में अगर एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो आप सोच सकते हैं कि इस भारत में भी संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर देश की जनता मजबूर कर देगी। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत ने शरण दिया, भारत भी जो है बहुत सारे लोगों के निशाने पे आ चुका है। बिल्कुल, क्यों आप शरण देंगे किसी प्रधानमंत्री को? आप भागिएगा तो क्या आपको बांग्लादेश शरण दे पाएगा? क्योंकि वो तो पहले बर्बाद हो चुका है। आप भागिएगा तो क्या आपको अफगानिस्तान शरण देगा? जब मोदी जी छोला लेके भागेंगे तो क्या उनको कोई और आरक्षण देने के लिए खड़ा हो पाएगा वहाँ? अच्छा, इसके पहले जो है कि श्रीलंका में हो चुका, अफगानिस्तान में हो चुका, बांग्लादेश में हो गया, भारत के पड़ोसी देश सब में हो चुका, अब कयास लगाया जा रहा है इंडिया में होगा। तो उससे अच्छा है कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो समय पे सारी जनता को आरक्षण दे दे, युवाओं को उनका हक दे दे ना, तो किसी युवा को उनका विरोध करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे से संभाल ले देश। नहीं तो क्या करेगा देश का जनता? देश का जनता प्रधानमंत्री बनाता है तो देश का जनता प्रधानमंत्री छीन लिया। लेकिन गलत क्या किया? काफी मजबूत है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति कभी आ सकती है जो अभी चल रहा है। आपने कहा कि हमारा देश काफी मजबूत है, लेकिन अगर देश का युवा खुश नहीं रहेगा तो देश कौन सा मजबूत है? देश के युवा नाराज भी है। आपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो वो युवा नाराज है प्रधानमंत्री से?
जो पढ़ते हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको दिक्कत है प्रधानमंत्री से? जो दलितों को मंदिर में घुसने का आज भी अधिकार नहीं है और उनका आरक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उन दलितों को दिक्कत है प्रधानमंत्री से? हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से? वुमेन सेफ्टी पे वो जिक्र करते हैं, वुमेन सेफ्टी अगर नहीं मिल रहा है तो हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से? तो फिर अगर कैसे आप बोल रहे कि किसी को दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री से? नहीं, प्रधानमंत्री से इस देश के युवाओं को, इस देश के जनता को दिक्कत है, उन गरीबों को दिक्कत है जिनको महंगाई से प्रॉब्लम है। सही बात है। उन लोगों को ऐसा होता तो तीसरी मर्तबा क्यों प्रधानमंत्री बनते हो? देश के युवा, देश को लोग क्यों चुनते हो? इस बात का जवाब ले लीजिए ना, क्यों बने सरकार? सब कहते हैं कि भैया एक अकेला ठीक, एक अकेला कितनों पे भारी, 238 पार्टी को मिलाकर बना हुआ भाजपा है, वो अकेला है। 100 से ज्यादा गोदी मीडिया आप जैसे उसका जो तारीफ करते रहते हैं दिन भर, वो अकेला व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई खड़ा नहीं है, वो भाई जो है वो पूरे क्या बोलते हैं कि उसको कहा जाता है कि भैया ये वो है, अगर वो आरक्षण और वो जो मुद्दा पे सवाल उठाता है कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध कर दिया जाता है कि तुम्हारी जाति कौन सी है? इस देश में, अपने भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती है क्या? सबकी जाति पूछी जाती है। अगर भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती तो अरविंद केजरीवाल के मंदिर जाने पर उनकी मंदिर नहीं धोई जाती। कल दोपहर तक सब कुछ ठीक था, अचानक शाम तक ऐसा खबर है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग गई। क्यों भाग गई? नमस्ते भैया। आखिर प्रधानमंत्री को भागना क्यों पड़ा एक देश के? प्रधानमंत्री का चुनाव तो बड़ी धूमधाम से होता है भाई, क्या कहे कि भैया एक प्रधानमंत्री बन जाता है, और एक प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 15 मिनट में हटा दिया और उनको भागना पड़ गया। समझ सकते कि जनता मजबूत होती है या प्रधानमंत्री? पांचवी मर्तबा प्रधानमंत्री का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री, पांचवी मात्र आप बोल रहे हैं, पांचवी बार, और ये हमारे मोदी जी तो तीसरी बार ही बने हैं। क्या पता कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। सोचिए, तीन बार में इनको इतना घमंड है, पांचवी बार बनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा उनका। आप सोच सकते हैं कि इस देश में, इस देश की जनता क्या सोच रही होगी उनके लिए? आप रिचार्ज देख रहे हैं हमारा देश का, रिचार्ज तो काफी महंगा है। रिचार्ज थोड़ी जी, अब आप हर चीज पे महंगाई ले लीजिए, आप पेट्रोल देख लीजिए, आटा, गेहूं, चावल, दूध, घी, पनीर, आप हर चीज देख लीजिए ना, जमीन सस्ता है, सारा चीज आप देख लीजिए, सारा चीज महंगा है ना। जमीनों तो महंगा, एक मिनट, कौन कहता है कि महंगाई से दिक्कत नहीं है? जो कहते हैं ना महंगाई से दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा उनको महंगाई से दिक्कत होता है, भले बताने को तैयार नहीं होते हैं। हम सबको महंगाई से दिक्कत है। महंगाई से कहाँ दिक्कत है, सबकी शौखे पूरी हो रही, जो बाइक से घूमते थे वो कार से घूम रहे हैं, और कार का पेट्रोल अफोर्ड कर पा रहे हैं आप? किसके लिए, किसके लिए? तो जाहिर सी बात है, भरवाने का क्षमता रखता है, जो खरीद सकता है ना। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अपर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के नीचे होते हैं ना, वेट, जो मिडिल क्लास के नीचे होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो एक वक्त का खाना भी सही से खाते होंगे। आप पूछिए इनसे। चलिए भैया इधर आइए। आपके पास बाइक है? नहीं है मेरे पास। सच बताइए। सच में मेरे पास बाइक नहीं है। हाँ, फोन है। कितने का फोन है? फोन मुश्किल से 25,000 का होगा। 25,000 का, हर महीने 300 का रिचार्ज भी कराती होंगी? हाँ, 300 अब नहीं करा पा रहे हैं ना। हाँ, पता, डेली कॉल आ रहा है, मैंने ना जियो का कॉल रिकॉर्ड करके रखा है, मेरा फोन मेरे पास नहीं तो सुनाते। आप काम क्या करती है? कोई बेरोजगार है? यूट्यूबर हूँ। मतलब एक यूट्यूबर है, कोई सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से नौकरी? बेरोजगार भी है। बेरोजगार के पास 25,000 का फोन कहाँ से आया? मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। आप भी अफोर्ड कर सकती है? मेरी बात सुनिए ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे सैलरी यूट्यूब देता है। जो यूट्यूब किसका है? अमेरिका से डायरेक्ट सैलरी आता है, लेकिन हमको मोदी जी तो नहीं देते हैं। यहाँ कोई मोदी के भरोसे ही बैठेगा? इस देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है ताकि देश के जनता को रोजगार मिले, और जिसका हक है उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था कि आप मुझे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दीजिए? मैंने नहीं बोला था ना, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था। तो फिर जब तुम पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे मुंह से ये शब्द आना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम देश के प्रधानमंत्री हो। अगर खुद से बोल रहे हो कि हम इतना परसेंट रोजगार देंगे तो आपको देना चाहिए था। अगर आप नहीं दिए हो तो आप विफल हो, आप मान लो इस बात को। अच्छा, बांग्लादेश में ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शुरुआती से गड़बड़ हो गया होगा। अगर आरक्षण मांग रहा था वो, मतलब हमारे देश की, चाहे जो भी कहिए, बांग्लादेश की, अगर दलित बोल रहे थे कि हमें आरक्षण की जरूरत है तो उनको आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं थे कि हम आरक्षण दे, तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गलत क्या किया उन्होंने? इस्तीफा दे दिया था, ऐसे इस्तीफा दे करके देश छोड़ के भाग जाएंगे जी? मजबूर कर दिया ना देश की जनता ने, वहाँ उनकी जान चली जाती अगर नहीं भागती तो। प्यार से नहीं छोड़िएगा तो जबरदस्ती छोड़वाना पड़ेगा। अब भाई, अब जो पांचवी बार प्रधानमंत्री बन गई तो उसका ये हाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 3 ही बार बने हैं, उनका क्या हाल हो सकता है? सब कुछ संभव है, सबका घमंड टूटता है, ये बात याद रखिए। तो क्या मतलब अपने देश में भी हो सकता है? हो सकता है ना, देश की जनता है भैया। अगर इन भैया को गरीबी से दिक्कत है, अगर ये 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो सबको दिक्कत है।
हमारे देश में ही है ना ये, खाना नहीं खा पाते हैं दो टाइम का, सही से नहीं खा पाते हैं, मुश्किल हो जाता है जी। कमाते उमाते नहीं होंगे? कमाते हैं, महंगाई इतनी है कि भरपाई नहीं हो पा रहा है, महंगाई इतनी कर दी है मोदी के टाइम में कि भरपाई नहीं हो पा रहा है, क्या जवाब दे? ये बताइए कि इतना कुछ कमाते हैं फिर भी पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। अरे और पारिवारिक है, बाल है, बच्चे है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, दारू है, कहाँ सब है, दारू भी है और दवाई है, दवाई दवाइयों को दारू कहा जाता है, ये दारू शराब नहीं। देहाती भाषा है। अंजलि, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कहिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को इतना दिन से कह रहे हैं, सुनते नहीं है जी, वो सिर्फ अपना बोलते हैं। सुनेंगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। सुन लेना, हमें कोई डर नहीं है, अगर सच बोलने के लिए अगर जेल होती है ना तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार। सच बोल रही है। हाँ तो जो देश के लगभग 300 सीट दिया वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले कितना सरकार था? बनाने के लिए पहले कितना था? पहले भी 303 था। अगर चचा पलटी मार जाते तो कितना बच जाता उनके पास? अभी लगभग 90। नीतीश कुमार की वजह से है ना। अगर चचा पलटी मार जाते तो क्या होता? अगर चंद्रचूड़ नायडू पर पलटी मार जाते तो क्या सरकार बना पाते भाजपा? नहीं बना पाते ना। और सुनिए, फिर देखिएगा, लिख के ले लीजिए, विधानसभा से पहले चचा फिर आ जाएंगे आरजेडी में। हां, आरजेडी में फिर चचा पलटी मारेंगे। चचा संतुष्ट नहीं रह सकते किसी के साथ। जो नीतीश जी है ना, वो किसी के साथ संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, आरजेडी का सीट कितना है बिहार में? मारते हैं तो सरकार गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। बोल तो रहे ना, अगर चंद्रचूड़ नायडू और नीतीश जी पलटी मार गए, अन्य विधायक जो होते हैं, मान लीजिए अन्य जो सांसद होते हैं, अगर उसमें से 4-5 मार गया ना तो निकल जाएगा लोग। और कह रहा है कि नीतीश जी अगर लड़की रहते तो कौ को भतार रखे होते। देखिए क्या पूछ रहा है सर। अब देखिए, नीतीश जी से पूछिए भैया कि आखिर अगर वो औरत होते तो कितने हस्बैंड, मतलब सॉरी, वो रखे होते, शादी किए रहते। हम पहले भी बोले थे कि बेकार ही लोग लड़कियों को बेवफा कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े बेवफा तो हमारे नीतीश जी है, कब किसके रहे पता ही नहीं चलता है, और लड़कियों को लोग कहते हैं कि भाई बेवफा है। तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश से सबक लेनी चाहिए, लेनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, एक बार बांग्लादेश को देख लेना चाहिए, अफगानिस्तान को देख लेना चाहिए, सबको देख लेना चाहिए ना एक बार हमारे देश की प्रधानमंत्री को।